और खाना में आज है घर चिड़िया। तो ये है कुसुम। और ये हाय फ्रेंड्स जोहार, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आज मैं आई हुई हूँ सिमडेगा जिला के जामपानी गांव में। और ये जो गांव है, यहाँ मेरी दीदी का ससुराल है, तो उन्हीं के यहाँ मैं आज आई हुई हूँ। और दीदी तो बाहर काम करने के लिए गई हुई है और जीजा भी गए हुए हैं हल चलाने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को घर की ओर ले चलती हूँ। तो ये है घर का एंट्रेंस गेट, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। आजकल हमारे यहाँ के गाँव में पानी की सप्लाई बहुत अच्छी तरह से दी गई है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, तो हर घर में पानी की सप्लाई है। और ये देखिए, ये है शौचालय की भी व्यवस्था रहती है। और ये जो है, ये मेरी दीदी की बेटी है और ये पड़ोस की मैया है। और ये देखिए, ये है दीदी की सास, आप लोग इनसे भी मिलिए। क्या बना थी माँ? तो माँ बना रही है इधर देखिए आलू का भुजिया। और ये वाला देखिए, ये वाला है डिबरी। हमारे यहाँ भी लाइट नहीं रहने से इसे हम लोग जलाते हैं। और ये जो डिबरी है, ये मिट्टी तेल से जलने वाली डिबरी है। वैसे तो इस गांव में लाइट की व्यवस्था है, लेकिन अभी ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से अभी लाइट नहीं है, इसलिए डिबरी जला करके काम चलाना पड़ रहा है। और माँ इधर आलू का भुजिया बना रही है। ये है दीदी लोग का घर जहाँ हम लोग आए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा बाबू है जो कि अपने खराब साइकिल को खुद से बना रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल की ओर, आगे है जंगल। वैसे तो ये जो गांव है ना, ये चारों ओर जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है और जंगल के बीच में है। तो अभी हम लोग कुसुम खाने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा हम लोगों को। और फाइनली हम लोग कुसुम पेड़ के नीचे पहुंच गए हैं। ये वाला जो है, आप लोग देख रहे हैं, ये है कुसुम पेड़ और इसमें बहुत सारे कुसुम फले हुए हैं। तो अभी हम लोग कुसुम खाने के लिए आए हुए हैं। और जंगल के बीच में ये गाँव है और काफ़ी खूबसूरत गाँव है। यहाँ हो रही है कुसुम तोड़ने की तैयारी और मैया लोग जो है इस पेड़ में आसानी से चढ़ जाते हैं बोल के बता रही हैं। और वो देखिए, अर्पण चला गया है कुसुम पेड़ के ऊपर। तभी हम लोग यहाँ से कुसुम तोड़ेंगे। संभल के चढ़ना बेटा, सकते हो चढ़ने? हाँ, आराम से ना। तो ये देखिए, सभी बच्चे जो है कुसुम पेड़ के ऊपर चले गए हैं। आराम से बाबू। तो ये देखिए, अर्पण चला गया है अभी कुसुम तोड़ने के लिए। और तो देखिए, गांव के बच्चे जो कितने एक्टिव होते हैं, पेड़ में ऐसे चल रहे हैं जैसे कि जमीन में चल रहे हो। तो ये देखिए, अर्पण फाइनली नीचे ले करके आ गया है कुसुम। कुसुम का टेस्ट जो है ना, खट्टा मीठा सा होता है, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं आज आई हूँ बच्चों के साथ में कुसुम खाने के लिए। और ये देखिए, हमने इतना सारा कुसुम तोड़ लिया है। दिखा बेटा, देखिए इतना सारा हमने कुसुम तोड़ा है। तो अभी हम लोग एक अच्छा सा स्थान देखते हैं और वहाँ बैठ के हम लोग कुसुम खाएंगे। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। हम लोग कुसुम खाने के लिए कोई प्लेट वगैरह नहीं लाए हैं, तो हम लोग पत्तल बनाएंगे। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं पत्ते तोड़ने के लिए। और इस साइड में है सखुआ का पेड़, तो सखुआ पत्ता तोड़ेंगे। तो ये देखिए, सामने में है एक सखुआ का पेड़, तो अभी हम लोग यहीं से पत्ता तोड़ेंगे। सकेगा बेटा चढ़ने? हाँ, पहुँचाएगा ना। तो ये देखिए, ये है सखुआ का पेड़, तो यहाँ से अभी हम लोग सखुआ पत्ता तोड़ेंगे। ज़्यादा ऊपर मत चढ़ो बेटा, ये तो पहुँच जाएगा। हाँ, इसी को तोड़ेंगे। हाँ, इसका दतवन करते हैं ना। अरे नीम, नीम का एक एक। हाँ, तो ये है सखुआ का पेड़, यहाँ से मैं सखुआ का पत्ता तोड़ लेती हूँ और इसकी हम लोग पत्तल बनाएंगे। मैं नीचे नीचे का पत्ता तोड़ी, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि वो जो पत्ते हैं ना, थोड़े से फटे हुए हैं,
तो बाबू ऊपर चला गया है, ऊपर अच्छा पत्ता है बोल रहा है। ये देखिए सुंदर सुंदर पत्ता तोड़ रहे हैं। हो जाएगा बेटा, आ जाओ आराम से नीचे आना है। और ये देखिए कितना आसानी से नीचे उतर के आ गया। और ये देखिए हमने इतना सखुआ पत्ता तोड़ लिया है। कहाँ पर बैठेंगे? तो पहले हम लोग इस जगह में बैठे हुए थे और यहीं पर कुसुम खाएंगे सोचे थे, लेकिन बच्चों को ये जगह पसंद नहीं आ रहा है, तो हम लोग अभी इस जगह बैठेंगे और इसी जगह बैठ के कुसुम खाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पत्ते लेकर के आ गए हैं और अभी हम लोग पत्तल बनाएंगे। आप पत्ता का चिड़िया बनाने आता है? नहीं बेटा नहीं आता है। तुमको आता है? हाँ। इसका भी चिड़िया बनता है? हाँ। चलो बना के दिखाओ कैसे बनाते हैं। पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर इसको ऐसे करते हैं, फिर इसमें सिलते हैं। हाँ, ये जो बांस का तिल्ली होता है उससे। हाँ, फिर ऐसे करके इधर ऐसे करके बीच से फाड़ देते हैं। हाँ, बीच से ऐसे फाड़ देते हैं ऐसे पूरा तक, फिर ऐसे करके बन गया, ऐसे करके बन गया। तो ये देखिए मैया ने कितना खूबसूरत सा पक्षी बनाया है, आप लोगों को देख करके कैसा लगे? सुंदर है ना। तो हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें खिलौनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी हमारे यहाँ संसाधन उपलब्ध रहते हैं उसी से वो अपना खिलौना बना लेते हैं और इंजॉय करते हैं, खेलते हैं। हम लोग कुसुम खाने के लिए अभी पत्तल बना रहे हैं, तो बच्चों को पत्ता पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि हमने बड़ा छोटा साइज़ का पत्ता तोड़ा है, तो पत्तल बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, उतना अच्छा से पत्तल नहीं बन रहा है। हाँ, लेकिन काम चलाओ हमारा पत्तल बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। हम लोग बना लेते हैं पत्तल। तो आज का जो पत्तल है वो मैया बना रही है और देखिए कितना सुंदर बना रही है। किससे सीखी पत्तल बनाना? दादी से। दादी से? दादी हमेशा बनाती है ना। हमको भी सिखा दी। हम भी सीखते थोड़ा थोड़ा सीखे। हाँ, तुम किससे सीखा? हम भी दादी से। दादी से सीखा है। हम अभी कहाँ जाएंगे? जमपानी। कहाँ? ये जमपानी जाएगा। अच्छा, आज तो छुट्टी है ना स्कूल। हो जाएगा ना। मैया बहुत सुंदर पत्तल बनाई है, बस थोड़ा सा कंप्लीट नहीं कर पाई थी तो उसे मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ। हाँ, इसमें सिल देंगे तो बन जाएगा। पत्थल किसी गिरेगा। तो ये देखिए हमारा जो पत्तल है वो बन करके तैयार है। इसको हम लोग की भाषा से पत्री बोलते हैं, इसको शादी इसको खाते हैं यही पत्री में खाना। हाँ, हम लोगों के यहाँ जब भी शादी ब्याह होता है तो इसी पत्री में हम लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं पत्री, तभी हम लोग इसी में कुसुम निकालेंगे और खाएंगे। तो ये देखिए ये है कुसुम, तो आज हम लोग इसी को खाने के लिए आए हुए हैं। तो हमारा पत्तल भी बन करके तैयार है, अब इसका हम लोग जो अंदर का भाग है उसको निकालेंगे। तो इस तरीके से दबाने से ये आसानी से निकल जाता है। तो ये है कुसुम, इसको आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी इसी तरह से हम लोग सारे कुसुम को निकाल लेते हैं, जितना हम लोगों को खाना है ज़रूरत के अनुसार। ये देखिए ये तो कुछ और हो गया, मैंने ज़्यादा दबा दिया। हाँ, अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है। सार मारता है ना हम लोग, पर कभी कभी कोड़ी लगता है, पर भी मैं एक दिन एब्सेंट नहीं थी। ये कौन सा चिड़िया है आप लोग को पता है? कौन सा चिड़िया है? इसका नाम है बकुला। बकुला? हाँ। अच्छा। ये मजा है ना। देखिए मैंने इतना कुसुम निकाल के रख लिया है, अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। मिर्चा डालेंगे ना? कितना डालेंगे? दो डालिए। दो ही? हाँ। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो ये देखिए हमने छोटे छोटे दोना बनाया है, इसमें मैं कुसुम को बांट देती हूँ। ये बड़ा है? ये बड़ा? अच्छा, वो छोटा है ना? ये बड़ा है। और ये उससे भी बड़ा है? छोटा से बड़ा। चलो अपना अपना कुसुम ले लो।
चलो खाओ। मेरे को तो चम्मच बनाना आता है। हाँ इसका चम्मच बना लेते हैं क्या? आता है बाबू? लो हमको मिर्चा चाहिए। मिर्चा चाहिए, लो। मिर्चा मत खाना, बहुत झाल लगेगा। लो चम्मच लो। कैसा लग रहा है खाने में? खाओ तो। मेरा तो डिजाइन वाला है, खट्टा मीठा ना। शुरू में खट्टा लगा, फिर मीठा, फिर तीखा। खट्टा मीठा तीखा सा है इसका टेस्ट। और आप लोग बताइए, आप लोगों के किसके किसके मुंह में पानी आया? काफी अच्छा लग रहा है। और ये वाला जो है, ये है कुसुम का बीजा, और इसे तेल निकाला जाता है और इसे बालों में लगाने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए कुसुम के बीज को हम लोग फेंकेंगे नहीं, इसे अब हम लोग चुन करके फिर घर ले जाएंगे। हम रस पी रहे हैं। हमारे यहाँ कुसुम खाना बड़े और बच्चों को, सबों को बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन बच्चों का ये फेवरेट फल होता है, इसलिए आज मैं बच्चों के साथ में कुसुम खाने के लिए आई हूँ। और कैसा लगा कुसुम खा के? अच्छा लगा। कहाँ तेरे जीभ, जीभ का हाल क्या है? पीला पीला हो गया। सबका जीभ जो है ना, वो कुसुम खा करके पीला पीला हो चुका है, दांत कठुआ गया है ना। यानी कि मीठा है कुसुम, लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में खाएंगे ना, दांत जो है वो हल्का सा खट्टापन की वजह से कठुआ जाता है। तो आज हम लोग ढेर सारा कुसुम तोड़े थे और आधा से अधिक कुसुम हम लोग खा चुके हैं, बस इतना ही बाकी है। देखिए तो इसको लेकर के हम लोग घर जाएंगे। अभी बरसात का सीजन है तो आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, और अभी हम लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं तो यहाँ पर काफ़ी ठंडी ठंडी से हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाँव के बच्चे शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, क्योंकि यहाँ का खान पान और रहन सहन ही ऐसा होता है, सारी चीज़ें यहाँ ऑर्गेनिक मिलती हैं। अभी हम लोग कुसुम खा लिए हैं और पेड़ के छांव में बैठे हुए हैं, तो मैया लोग अभी आप लोगों को गाना सुनाएगी। चलो बेटा गाना सुनाओ। हरियारो प्यारो, हरियारो प्यारो, ऐजे रे सारा संसार गूंज के बहार हरियारो प्यारो, हरियारो प्यारो, ऐजे रे सारा संसार गूंज के बहार एचकेल कर दादा दीदी, एचकेल कर दादा दीदी, जिधर देखो उधर हालो हालो, एचकेल कर दादा दीदी, एचकेल कर दादा दीदी, जिधर देखो उधर हालो हालो, हरियारो प्यारो, हरियारो प्यारो, ऐजरे सारा संसार गूंज के बहार। आज काफ़ी अच्छा लग रहा है और बच्चों के साथ में हमने खूब सारी मस्ती की और अभी भी मस्ती कर ही रहे हैं। और अभी लोग कुसुम खा लिए हैं, गाना भी आप लोगों ने सुन लिया, अब चलते हैं अब घर की ओर। हवा बते देनी रे, गुरे करे घर दुरा कहाँ आया है, हे हवा, हे हवा बते देनी रे, गुरे करे घर दुरा कहाँ आया है। क्या है, कटहल तोड़ने चढ़ रही है? पका है? पका है, हमको एक जगह मिल गया। कहाँ? बोलो पका है? अच्छा तो देखिए कटहल का महक जो है ना, काफी दूर तक जा रहा था, तो मैया को पता चल गया कि इस पेड़ में कटहल पका हुआ है, तो तोड़ने के लिए आई और देखिए उसी जगह वो पका हुआ है। तोड़ो, ये देखिए ये पका हुआ है। और वो देखिए मैया और ऊपर चली गई है कटहल तोड़ने के लिए, और ये दूसरा कटहल भी तोड़ ली है। ये देखिए कटहल के पेड़ में बहुत सारे कटहल पके हुए हैं, लेकिन हम लोग दो ही कटहल उतार रहे हैं आराम से। लग गया। और गांव में है ना फलों की कोई कमी नहीं है, आप जब भी आएंगे किसी भी सीजन में आएंगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों को फल मिल जाएगा। अभी कटहल पक रहा है, कुसुम पक रहा है, और इसके पहले आम जामुन वगैरह भी मिल रहे थे। देखिए हम लोग कटहल लेकर के आ गए हैं और यहाँ पर बच्चे लोग कटहल खाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर गया,
देख सकते हैं हम अच्छे से हार दिए हैं। देख सकते हैं। रुको रुको दिखाओ कैसा है तुम लोगों का कटहल। ये देखिए छोटा छोटा सा कुआ है लेकिन बहुत सारा है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हम लोग इसको अकेले खत्म कर देंगे। बच्चे कटहल खा चुके हैं और कटहल का जो बाकी हिस्सा है जिसको कि हम लोग भूथा बोलते हैं तो इसको बैलों को दे रही है मैया और बैल भी इसे काफी चाव से खाते हैं। कुसुम खा के आ गए हैं और जैसे ही हम लोग घर आए तो माँ खाना बना के रखी थी और देखिए हम लोगों को खाना मिल गया है। और खाना में आज है घर का चावल, आलू की सब्जी और ये माड़झोर, ये मुनगा साग का माड़झोर है जो कि खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। आज का दिन काफी अच्छा रहा और बच्चों के साथ में हमने काफी मस्ती की और ढेर सारा कुसुम भी खाया। और जैसे ही हम लोग घर आए माँ ने हमारे लिए एकदम स्वादिष्ट खाना बना के रखा था, हमने खाना खा लिया है। और मैया तुम लोगों के लिए हम मिठाई ला दिए हैं दादी के पास से, है ना, खा लेना। अब हम लोग यहाँ से घर के लिए निकलने वाले हैं तो आज का वीडियो मैं यहीं पर अंत करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।